सुनो यार, नू बता वो आदमी कौन है वो जिसकी वो सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी आई है, जो अपने आप गाड़ी गुड़ी चलावे हैं बड़ी। हाँ, वही वही बंदा। अरे नहीं बावड़ी गेंड, हर बात पे गाड़ी ना खरीदे, अपनी सगोर पे भी सेल्फ ड्राइविंग है, एक लट धर ले और पिस्टल रख ले, अपने आप चल ले गाड़ी, फिर कोई दिक्कत ना है। अरे भाई बात यू है, न्यू बता, मैंने न्यूज़ में देखी यही सेम बंदा चांद पर ना जिले काट रहा है, जमीनें बट रही हैं वहाँ। तो एक बात बता, अपना वापन वहाँ देख लेते हैं वो जमीन जमीन भाई, यहाँ तो रहा नहीं जाऊँगा यार। वो डेविड धवन की कुली देख ली मैंने यार, तब से मेरी कब्जी ना खत्म हो रही भाई, यहाँ नहीं रहा जाऊँगा भाई। जो नुखे खरें चलते हैं अब चांद पे रहेंगे। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु, ये ऑनेस्टली सेइंग, और इन बाप बेटों ने मिलकर हक दिया ना अच्छी तरह, रज के हगाए किलो भर इन दोनों बाप बेटों ने। अभी दो दिन पहले मैंने अपने फेफड़ों में चेचक की बीमारी लगवा ली फेम हाउस देख के, तब से डिस्पेंसरियों के धक्के कारण डॉक्टर मुझे कह रहे बेटा ज्यादा दिन नहीं हो, इस बीमारियों का इलाज नहीं है। तब मैंने सोचा चलो कुछ तो अच्छा आएगा, और फिर मेरी क्रिसमस पे कुली नंबर वन आ गई। बेंचो इसको देख के तो सेंटा जी भी नॉर्थ पोल से पहले यहाँ आ रहे थे। वो कह रहे हैं वहां से मैं सीधा नेपाल, नेपाल से भूटान, भूटान से ढाका, मैं नहीं आ रहा इंडिया में। इंडिया मैंने तो सुना था वहाँ वैक्सीन लगा रहे, पर ये तो भाई कुली नंबर वन नाम के वो टीबी के टीके लग रहे हैं वहाँ। तो गाइस रिव्यू शुरू करने से पहले मैं एक चीज बहुत ही क्लियर कर देता हूँ कि ये पिक्चर नहीं है, ये वही लड़का है जो रोज सुबह असेंबली में गिर जाता था। ये पिक्चर नहीं है, ये 2 रुपए वाले डाइल्यूटर का नशा है। ये पिक्चर नहीं है, ये डॉली बिंद्रा का ओनली फैंस अकाउंट है। तो भैया कूली नंबर वन के रीमेक की स्टोरी बड़ी ही सिंपल और सरल सी है, और स्टोरी ये है कि डेविड धवन की बुद्धि गई, फिर उसने सोचा कि यार मेरा बेटा है तो लंडूरा ही, लेकिन थोड़ी बहुत ना ठीक ठाक सी वो कर लेता है पिक्चर। भैया एक अक्टूबर करी थी और एक बदलापुर करी थी, गलती से एक्टिंग कर लेता है, पोटेंशियल है लड़के में, लेकिन क्यों ना मैं बाप होने के नाते उसकी हेल्प करूं और जाके ढूंढ के लेके आओ अपनी एक पुरानी ऐसी सुपर हिट पिक्चर जो उस जमाने में हिट हुई थी, और उसको क्यों ना मैं एक रीमेक बनाऊं और अपने बेटे को लीड रोल में दिलवाऊं और इतनी वाहियात पिक्चर बनाऊं कि मेरे बेटे का करियर एकदम सेट हो जाए। तो भैया पिक्चर शुरू होती है एंड बाय गॉड शुरू में ही इतने ज्यादा फनी जोक्स हैं कि आप हंस हंस के लौट जाओ। जेफ्री, यू आर गोइंग टू फार, हां? व्हाट फार मम्मी, इधर ही तो खड़ा है मैं। बेइज्जती अच्छी भी होती है, ये फर्स्ट टाइम सुना मैंने मैन। दो इस पिक्चर की स्टोरी एग्जैक्टली सेम है 1995 गोविंदा वाली कुली की तरह, बट इन लोगों ने डायलॉग्स दोबारा से लिखे हैं, एंड बाय गॉड इन्होंने इतना वाहियात काम करा है कि भैया परेश रावल जैसे दिग्गज कॉमेडियन से भी क्रिंज वर्दी काम इन्होंने करा लिया। मम्मी प्लीज डोंट इंटरफियर, आप जाके क्राइस्ट के सामने कैंडल जला। तो पहले दर्दनाक 5 मिनट के बाद एंट्री होती है लक्ष्मी नगर के टॉम क्रूज की, यानी वरुण धवन की। अब ये भाई पूरी की पूरी ताकत लगा दी इसने पिक्चर में, आधा गोविंदा बनने की आधा सलमान बनने की, और इसी कोशिश में इसी जद्दोजहद में ये बन गया पूरा गांडू। और गाइस अगर आप भूल गए हो तो दिस इज अ फनी मूवी, और जोक्स आते हैं फिर। ये मोज़रेला चीज की औलाद, शायद तेरे को पता नहीं है कि जो फ्यूचर में होता है ना वो मेरे को अभी प्रेजेंट में दिखता है। बहुत सारे लोगों को कुली की स्टोरी ऑलरेडी पता है, जिनको नहीं पता मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ। बेसिकली होता क्या है, एक अमीर आदमी ऑफेंड कर देता है एक पंडित को, जो रिश्ता जोड़ता है लोगों का, रिश्ता लेके आता है लड़के लड़कियों का एक दूसरे के लिए, और वो अमीर आदमी की लड़की के लिए ले आता है गरीब लौंडे का रिश्ता। यहीं पर वो अमीर आदमी ऑफेंड हो जाता है, उसकी बेइज्जती करके उसको बोलता है लेके आना तो कोई बढ़िया रिश्ता लेके आ। अब पंडित जी हो जाते हैं ऑफेंड, और फिर वो कहते हैं मैं बदला लूंगा, और वो जाकर ढूंढते हैं कुली को, और फिर शुरू होती है ये सारी स्टोरी। ऐसा दामाद ढूंढूंगा जो तेरा सारा घमंड चकनाचूर कर दे। जैसे तैसे करके ये पंचर स्कूटी आगे बढ़ती है, और इंट्रोडक्शन होती है राजपाल यादव की। एंड ऑनेस्टली सेइंग गाइस, राजपाल यादव को देखकर आपको दुख होगा, मुझे भी दुख हुआ, क्योंकि एक तो उनकी उम्र हो चुकी है, और डेविड धवन उनको कह के लाए थे कि भैया तेरे को बिल्कुल वैसा ही राजपाल यादव एक्ट करना है जो 10-12 साल भूल भुलैया वगैरह में जैसे तू कॉमेडी करता था वैसे ही करियो, बट दैट कॉमेडी इज नॉट सूटिंग ऑन हिम। वो बिल्कुल अजीब लग रहे हैं ये करते हुए, ऐसा लग रहा है बड़ा ही फोर्स कर रहे हैं उनको, एंड उनकी कोई गलती नहीं है, ही इज अ वेरी 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 टैलेंटेड गाय, बट अगेन उसको जो दिया गया है वो कोशिश कर रहे हैं, जो रोल जो वो पुल ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ही बुरा लग रहा है। आप हमें चोल के मत जाइए, हमारा स्वीट लूम बहुत अच्छा है, और हमारी ऑनर कम सुपरवाइजर आपको लूम सजा कर देगी सादा। और एक बात और गाइस, राजपाल यादव का जो कैरेक्टर है डेविड धवन ने उसको बोला कि तेरे को तुतलाना है। अब डेविड धवन को 2020 में ये लगता है डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन सोशल मीडिया, हर चीज को उसने इग्नोर करके इतनी बुरी तरह स्टीरियोटाइप करा है तोतरे लोगों को कि यार इट्स नॉट इवन फनी। और यार रिव्यू देते देते मैं फिर से भूल गया कि पिक्चर कितनी ज्यादा फनी है। तो एक और फनी डायलॉग सुनिए इसका। एटीएम का फोन है, अंबानी, ट्रंप, मोदी, कॉन्फ्रेंस कॉल है। वैसे तो ये पिक्चर एक बहुत ही सीवियर हर्निया का केस है, बट कुछ सीन इतने आउटस्टैंडिंगली चुतियापे से भरे हुए हैं। फॉर एग्जांपल, सारा अली खान की बहन मिलती है वरुण धवन के एक दोस्त से जो होता है भैया एक ड्राइवर, और उस सीन में उस ड्राइवर ने एक ड्राइवर की ड्रेस पहनी होती है, बट वो कहता है कि मैं वरुण धवन का गेस्ट हूं और
प्लम्बर नहीं हूँ, आउटसाइड आउट ऑफ नोवेयर मैं प्लम्बर नहीं हूँ। तो वो लड़की कहती है ओह माय गॉड आप प्लम्बर नहीं हो और ड्राइवर जैसी तो आपने ड्रेस पहनी तो ड्राइवर तो आप हो ही नहीं सकते, तो आप हमारे गेस्ट ही होगे। मैं गेस्ट हूँ वो भी कुंवर साहब का। Oh my God, I am so sorry. फिर एक सीन में सारा और वरुण कमरे के अंदर अकेले होते हैं और बीच में आ जाते हैं परेश रावल जो होते हैं सारा के पिताजी। अब भैया छुपने की बजाय ये बंदा उसके पीछे खड़ा हो जाता है और पता नहीं यार ये क्या सीन था, एक देखो इसे। वक्रासन टैन टैन और ये त्रिकोणासन टैन टैन और ये गौआसन। अब भैया एक सीन तो इतना ज्यादा दर्दनाक तरीके से वाहियात और बेवकूफाना है कि इसकी कोई हद ही नहीं है। इस सीन में वरुण धवन अपने सर पे दो बैग लाद लेता है कुली होने के नाते और चल पड़ता है। और जब आप ये सीन देखोगे आप देखोगे भैया उस बैग में जो उसने सर पे ढो लिए हैं उस पे हैं पहिए। अबे लोड़े के घसीट लेना इसे जैसे तेरा बाप तेरा करियर घसीट रहा है। चलो चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे बाजू बाजू। तो भैया ये सीन देखने के बाद मैं उठा पैरासिटामोल की दो गोलियां लेके वापस आया, एक सिप लिया जेलोसिल का और बैठा आराम से और सोचा कि अब मुझे लिखना चाहिए एक पत्र वरुण धवन को। डियर मैं बोलता तेरे को अगर तू ये पिक्चर नहीं करता तो वरुण धवन, आई एम राइटिंग दिस टू यू विद वन आई नॉट वर्किंग एंड सीवियर इच इन माई बट क्रैक। चूत ये बड़ा हो जा, जरूरी नहीं है जो पापा बोलते रहेंगे वो तू करता रहेगा। वो ठूसाए जा रहे हैं तू ठूसे जा रहा है, अभी भी टाइम है, मूव आउट कर जा पापा के घर से, नहीं फिर अगले महीने कोई रीमेक बनाकर तेरी नंग परेड करा देंगे और पहला मौका लगते ही कल इंस्टाग्राम पर सॉरी बोल दे लोगों को। और हाँ एक काम और कर, जल्दी से जल्दी बायजूस की ब्रेन डेवलपमेंट क्लास फॉर टॉडलर्स में एनरोल करा ले। Definitely not yours, Indian audiences. अब entertainment और comedy के नाम पे तो मुझे पता नहीं, but एक चीज जो इस picture में लबालब भरी हुई है ऊपर तक गर्दन तक भरी हुई है वो है cringe. कुछ जगहों पर कुछ scenes पे वरुण धवन ऐसे ऐसे गंदे shot दिए हैं कि भैया मेरा तो cringe से लोट गया मैं। Being a miss, you try to understand, but misunderstood that a misunderstanding is not a misstanding under, but understanding a misunderstanding. अबे कैटरपिलर का संभोग देखते हुए मैंने कहा अबे यार वरुण तू लक्स कोजी की दो एडी कर लेता यार, उनकी चार बनियाने बिक जाती, तेरा टाइम भी अच्छी जगह लग जाता, अब तूने पापा के कहने पे ओरैंगोटैन की लाल गांड जैसी पिक्चर बना तो दी। और जैसा मैंने तुम्हें शुरू में कहा था ना ये बड़ा ही डेस्परेटली सलमान खान बनने की कोशिश कर रहा है, ये वाला सीन देखो। और उसी प्यार का डेवल कभी आपके पीछे और आप कभी डेवल के पीछे, बिग बॉस हाउस में टू मच फन। और नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इतनी ज्यादा वाहियात है बाय गॉड इट्स नॉट इवन फनी, मैं जोक भी नहीं मारूंगा इस पे क्योंकि मेरे जोक्स भी खराब है इस चीज के ऊपर, ये इतनी ज्यादा बुरी है। वरुण धवन हाफ ऑफ द मूवी में लिटरली एक डेढ़ घंटे के बाद इसका एक कैरेक्टर होता है, उसके लिए ये मिथुन की आवाज निकालता है थ्रू आउट फॉर मोर देन वन आवर, वो इतना ज्यादा पेनफुल है देखना कि बस मुझे नहीं देखनी है पिक्चर। और मैं क्या तेरे को टूरिस्ट गाइड लगता है क्या, कुछ भी हो जाए पर नहीं जाएगा तू नहीं जाएगा नहीं। और हाँ यार पिक्चर में सारा अली खान भी है उसके बारे में तो मैं भूल ही गया, और उसकी फुटेज इतनी ही है पिक्चर में जितने उसके मेंशन है मेरी इस वीडियो में। जो बची कुची कसर थी वो डेविड धवन जी ने पूरी कर दी बाय स्टीरियोटाइपिंग ऑलमोस्ट एवरी कैरेक्टर इन दिस मूवी। अगर मद्रासी है तो काला होगा और साथ ही साथ डोसा बेचेगा और नारियल पानी पिलाएगा। पिक्चर में लिटरली एक ओवरवेट कैरेक्टर इन्होंने रखा है जिसको स्पेसिफिकली 3-4 मिनट तक वरुण धवन दबा के बॉडी शेम करता है, कभी वो उसको बोलता है मैकडॉनल्ड या फिर कभी वो उसको बोलता है हैप्पी मील। अबे मैं क्या, तू तो पूरा का पूरा मैकडॉनल्ड है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक सीन में तो लिटरली उन्होंने वरुण धवन एक्ट्स लाइक अ ट्रांसजेंडर और ये कह रहा है मुंह से कि भैया मैं ना मर दू मारना मुझे, मैं ना मर दू। ए राजू क्या रे राजू, मैं तेरे को ना मर लगता है क्या राजू, मैं मलेगा तू जा रहा राजू, तू राजू ए राजू देना। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट फनी, और अगर ये 1995 में फनी भी था तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक बात है। बट चूतियों अगर तुम एक स्टोरी को एज इट इज उठा रहे हो, 20-25 साल पुरानी स्टोरी है तो कम से कम आज के टाइम के हिसाब से उसको मॉडिफाई तो कर दो, अपने गांड से अपना दिमाग तो निकालो डेविड जी। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दिस मूवी इज नॉट इट्स स्टोरी, ये स्टोरी 25 साल पुरानी पिक्चर से उठाई हुई है, तब लोगों को स्लैपस्टिक कॉमेडी सुनकर मजा आता था, पर इन 2020 दिस नीड्स पॉलिशिंग। इसमें आधी से ज्यादा चीजें तो इतनी सारी ऑफेंसिव है, डेविड धवन बहरा गूंगा हो गया भैया, उसको सुनाई नहीं आया, समझ ही नहीं आया। वरुण धवन सारा अली खान जो ये पोस्ट करते फिरते हैं, सोशल मीडिया वॉरियर्स बने फिरते हैं अबाउट इक्वालिटी, इनको भी समझ नहीं आया कि कितनी तरह से बहुत सारी चीजों को स्टीरियोटाइप करा जा रहा है यहां पे। और उससे भी ज्यादा एडिंग ऑन टू ऑल ऑफ दिस शिट पाइल, इन लोगों ने जितने भी टैलेंटेड स्टार्स हैं इसके अंदर जावेद जाफरी जॉनी लीवर राजपाल यादव परेश रावल सबको वेस्ट किया है कंप्लीटली।
सो गाइस ये था कुली नंबर वन की रीमेक का रिव्यू। इसमें कुछ देखने लायक नहीं है, कुछ भी सर पैर नहीं है पिक्चर का। वरुण धवन एक नंबर का गांडू लग रहा है इस पिक्चर के अंदर, और उसकी पूरे का पूरा क्रेडिट जाता है उसको, स्टार स्टडेड गांडू बनाने का एक्चुअली क्रेडिट जाता है उसके पापा जी को जो है डेविड जी। एंड यू शुड बेसिकली अवॉइड दिस मूवी जस्ट एज यू अवॉइड स्क्रैचिंग योर बॉल्स इन पब्लिक। तो गाइस अभी भी टाइम है, अगर आप चाहते हैं सेंटा जी आपको इस एक्समस पे विजिट करें, आपका एक्समस अच्छा हो, आपका न्यू ईयर बहुत अच्छा हो, तो इस बवासीर से दूर रहिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड मैरी क्रिसमस।